आज भी लेट। तो क्या इसका मतलब कि मैं अपने पति को गलत बोल दूं? ये तो गलत बात होगी शायद। कब का बोल रखा है कि मैं कब आऊंगा, कितने बजे आ जाऊंगा, लेकिन कितने हो गए, 3 घंटे हो गए इंतजार करते करते, मैं तैयार होके बैठी हुई हूँ, तो ये तो गलत बात है ना। तो आज तो मैं उनसे आज लड़ाई झगड़ा सब करके ही रहूँगी और तभी मैं दम लूँगी और पूछूंगी ऐसा हमेशा मेरे साथ क्यों करते हैं। और आज तो झगड़ा जरूर होगा, 100% होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। अभी आपने स्टार्टिंग में एक छोटी सी क्लिप देखी होगी और मेरा थंबनेल भी देखा होगा कि मैं आज आपसे किस टॉपिक में बात कर रही हूँ। आज मैं एक टॉपिक मैंने उठाया है और ये मेरा एक्सपीरियंस बोल सकते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो वीडियो है, प्लीज़ उसको गलत वे में ना लेके जाइएगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, मैं आपको एक छोटी सी एक शायद मैं आपको एक बात समझा सकूँ तो वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटी सी क्लिप में देखा होगा कि वाइफ ले लो या जैसे कि मैं हो गई या आप हो गए जो स्क्रीन के उस तरफ बैठी हैं, तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हस्बैंड हमको बोलते हैं कि हम नहीं इतने बजे हम आ जाएंगे और वो नहीं आ पाते। तो मेरा जो किरदार था, मैंने कहा क्या कहा कि नहीं, मेरे को तो आज लड़ाई करनी कर दी है और मैं पूछूंगी ऐसा क्यों करा। तो इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ बात है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर बाद में तय करिएगा कि वीडियो अच्छी है या वीडियो बेकार है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक मिनट में अपना कैमरा ठीक कर दूं। ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड हमेशा ही गलत होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आप अपने पति को ब्लेम करना, ये बोलना कि आज से बंद कर दीजिए या छोड़ दीजिए, अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है एग्री कर दे, पति हमेशा गलत नहीं होते, ये मैं बात बोल सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक वाइफ हूँ, मेरे एक हस्बैंड है। तो मैं ये बात बड़ी श्योरिटी से बोल सकती हूँ आपको कि हस्बैंड कभी भी गलत नहीं होते। रेयर कभी 1% होता है गलत होते हैं, लेकिन हम जो वाइफ्स होती हैं वो उनके ऊपर बात थोप देते हैं, नहीं आप गलत हो, आप नहीं गलत हो, आपने ऐसा करा। तो वो हर मान के, हर कोई हस्बैंड ऐसा ही करता है जो मेरी बात को एग्री करेंगे वो जो लोग, हाँ ठीक है मैंने गलती करी है। आप लोगों को उनको गलत क्यों ठहराना, आप एक बात बताओ। क्योंकि जब वो आप हमको, यानी कि मुझे अगर कोई, मेरे हस्बैंड अगर मुझे गलत ठहराते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, तो वो क्यों वो गुस्सा नहीं दिखाते हम लोगों को? बहुत, मैं कहती हूँ बहुत रेयर, बहुत अच्छे हस्बैंड्स हैं दुनिया में, या जो गुस्सा दिखाते भी हैं वो पक जाते हैं, इसलिए शायद वो गुस्सा दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ये मनाओ कि जब हम गलती नहीं करते तो पति गलती कैसे कर सकता है, जब वाइफ गलती नहीं करती तो हस्बैंड कैसे गलती कर सकता है। क्योंकि जब हमारी डिक्शनरी में जब हम ये मानते हैं कि नहीं हम तो गलती कर ही नहीं सकते, आपसे ही गलती हुई है, आपने ही करा है या तुम नहीं करी है ये गलती, ये वाली बात आ जाती है हमेशा। तो ये एक मेरा पॉइंट है कि पति को गलत क्यों ठहराना। हम लोग बीवियों के ऊपर इतनी सारी वीडियोस हैं, इतना सब कुछ है, कहीं भी पढ़ लो आप, मतलब वाइफ ऐसी है, वाइफ वैसी है, वाइफ त्यागशील है, बड़ा दिल होता है, सारी ये चीज़ें आप सब मेरी बात को मानेंगे, समझेंगे जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि मतलब वाइफ के टॉपिक के ऊपर इतनी सारी बातें हैं, इतना सब कुछ है उस एक औरत के ऊपर, लेकिन जब एक बात आदमी की आती है तो हम हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं, नहीं गलती आपकी है, आपने ही सब कुछ करा है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ माननी पड़ेगी, क्योंकि जब हमें अपनी बात मनवा, देखो ऑलमोस्ट क्या होता है हर रिलेशनशिप में, हर कपल में यही बात आती है कि आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा, आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा, हमेशा औरतों का यही झंडा रहता है। शायद आप लोग नहीं मानेंगे, कोई लोग मुझे बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आज भी हैं जो औरतें बिल्कुल चुप रह के मतलब हस्बैंड की हर बात को सुनती हैं, बट लेकिन मैं नहीं मानती जिस तरीके से माहौल चेंज हो रहा है। तो ये था एक तो मेरा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है मेरा कि जब हम
पति की अगर कोई बाय चांस उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक आ रहा हूँ तो हम लोग रेडी होंगे तो कहीं चलेंगे, जैसा कि हर हस्बैंड वाइफ बोलते हैं एक दूसरे को या कुछ जो भी उनकी प्लानिंग हो रही होती है। बाय चांस अगर हस्बैंड नहीं लेट मतलब नहीं आ पाए, लेट हो गए, तो हम बीवियों का क्या रिएक्शन होता है? अब मेरे को नहीं जाना, अब मुझे कहीं नहीं जाना। ये मेरा भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, करती थी। लेकिन जब मैंने इस बात को समझा यार, जब अगला बंदा यानी कि हस्बैंड जो है वो काम के सिलसिले में कहीं बैठा हुआ है, तो हमारा नहीं बनता हक कि हम उन्हें गलत ठहराएं या उनसे लड़ाई झगड़ा करें कि नहीं आपको तो टाइम पे आना चाहिए था। क्योंकि मेरी बात आप लोग मानिएगा ज़रूर, क्योंकि जो हस्बैंड्स होते हैं ना, जो जेंट्स होते हैं, उनको इतनी टेंशन होती है ना दुनिया की, घर की, बिजनेस की, जॉब की, रिश्तेदारों की, जिनके पेरेंट्स साथ में रहते हैं, पेरेंट्स की, फिर वो हम वाइफ से क्या उम्मीद रखते हैं कि एटलीस्ट यार एक पर्सन तो हो जो हमें समझे। ऐसा हर कोई सोचता है, हर कोई हस्बैंड अपने दिमाग में सोचता होगा। अगर ये वीडियो मेरी जेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि अगर आप लोग एग्री हैं इस बात से, या लेडीज देख रही हैं तो प्लीज़ जब भी बताइएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि हस्बैंड को हमेशा ये बोला जाए नहीं आप गलत हो, आपकी गलती है, आपने ही ऐसा करा है। तो ये वाली बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ कि मैं आप लोगों की ये बात से मानूँ, क्योंकि मैं एक खुद एक हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे शायद इस चीज़ की आप ये कह लीजिए कि देर आए दुरुस्त आए, अकल आई तो टाइम लगा कर आई है। मैंने अपने हस्बैंड को ब्लेम करना छोड़ दिया किसी भी बात पे, क्योंकि मुझे पता है कि यार बंदा जब काम पे जा रहा है तो उसको कितनी टेंशनें होती हैं, कितना सब कुछ होता है। शायद आप लोग नहीं समझते होंगे, मैं भी नहीं समझती थी, इसलिए मैं ये आज ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ कि मैं अपनी बात आप लोगों को जल्दी समझा सकूँ कि हस्बैंड पति गलत नहीं होते, एक तो सबसे पहली बात। और अगर आप उनकी एक बातें मानते हैं ना, अगर आप उनकी एक बात मानते हैं तो श्योरिटी देती हूँ वो आपकी 6 बातें ज़रूर मानते हैं, ये यकीन मानिए मेरी इस बात का। अगर आप एक बात उनके मन से मतलब अगर बगैर नोक झोंक करें, बगैर आर्ग्यू करें, बहस करें उनसे मान लेंगे, चलो ठीक है कल चले रहे, तो उनको दिल में भी एक पता है क्या होता है यार ठीक है यार बंदे मतलब वाइफ ने मेरे लिए जो भी आपको वो प्यार से बोलते हैं आपका अगर नाम लेते हैं यार नहीं उसने मेरे लिए सेक्रीफाइस करा, मैं इसका ये काम करवा के रहूँगा। तो आप ये वाली बात मानिए मेरी, ऐसा होता है, रियल में होता है, मेरे साथ तो बीती हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा पारा हम वाइफ को चढ़ जाता है, नहीं आज तो हो के ही रहेगा, आज तो लड़ाई हो के ही रहेगी, क्यों वायलेंस करनी, क्यों मतलब लड़ना झगड़ना। यार हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना वो कंडीशंस के ऊपर नहीं चलता ना। देखो पति का भी कंडीशन रखता है कि नहीं आपको ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, वैसे भी करना है, वैसे भी करना, लेकिन जो हम वाइफ्स होती है ना उनकी कंडीशंस की लिस्ट इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी लिस्ट होती है उन लोगों की, वाइफ्स की, लेडीज़ की, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, या अदर कोई भी लेडीज़ है, तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, उम्मीदें रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती उम्मीदें मत रखो, लेकिन उनको भी समझने का मौका दो, आप भी उनको समझो। हम बोल तो देते हैं कि नहीं हम तो अपने पति को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो जब उनकी हम ऐसी वाली बात बोलते हैं नहीं हम तो अपने पति को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हमारे अंदर सबसे पहले क्या अट्रैक्ट करती है, उनकी कमियाँ सबसे पहले आती है, कमियाँ। तो उनकी कमियों को क्यों देखना, उनके उस खूबियों को भी तो देखना है ना जो हम लोगों ने बिताए इतने साल उनके साथ में। पहले की बातें हमेशा अलग होती हैं, जब शादी होती है तब कोई इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं होती, लेकिन धीरे 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 जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, आप दूसरों एक दूसरे पर टाइम स्पेंड करते हो, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों में फिर आप लोग बिजी हो जाते हो, वो लोग उन पर प्रेशर आ जाता है यार, घर को देखना है, कमाना है, धमाना है, अच्छी परवरिश देनी है बच्चों को, आपको अच्छा रहन सहन देना है, खाना पीना देना है, हर इंजॉयमेंट देना है लाइफ का जो वो आपको दे सकते हैं या जो आप डिजर्व करते हैं। हर हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए हर कुछ करता है, लेकिन हम बीवियों की हमेशा यही शिकायत होती है कि नहीं हमारे पति ऐसे हैं, हमारे पति वैसे हैं। लेकिन मैं ये बात बोलती हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी अपनी ये बात सुधारी है, मैं आपको तभी बोल रही हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को ब्लेम करना छोड़ दिया है। यार जब इंसान अपने लिए जब कई हस्बैंड ऐसे होंगे
जो अपने लिए सांस तक नहीं लेते, सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, इन सब में ही रह जाते हैं। उनमें से तो एक मेरे हस्बैंड है पहले तो, और कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी आउटिंग भी पसंद है, तो उन्हें जाने दीजिए उन आउटिंग्स पे, अपने फ्रेंड्स के साथ जाने दीजिए। कोई मतलब ये मत बोलिए कि नहीं आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। जब हमें जाना होता है कहीं अपनी फ्रेंड्स के साथ में, जब हमें कहीं जाना हो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ में, तो हमें भी तो जाने का मौका मिलता है। बोलते हैं कि हाँ जाओ, वो तो नहीं बोलते कि नहीं जाना आज या नहीं करना ऐसा कुछ। तो हम क्यों हमेशा ये वाली बात बोलते हैं कि नहीं। तो ये था मेरी कुछ पॉइंट्स से, एक दो पॉइंट ही हैं लेकिन इनसे बहुत लाइफ चेंज होती है। हस्बैंड को कभी भी गलत मत ठहराइए, उनकी बातों को समझिए, जानिए कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये नहीं होता कि शादी के एक दो साल तक ही रिश्ता टिका रहता है, उनमें प्यार रहता है। शादी के 25 साल भी अगर हो जाए, 50 हो जाए, भगवान सबको ये दिन दिखाए 25-50 तक भी, तो उनको भी मतलब उनमें भी प्यार होता है। आप ये मत बोलिए कि आप चेंज हो गए हो, हस्बैंड कभी चेंज नहीं होते और हस्बैंड कभी गलत नहीं होते। ये मैं बात बहुत दावे से बोलती हूँ। हाँ, हम लोग एक बार के लिए सेल्फिश हो जाते हैं, हाँ हम लोग अगर एक बार के लिए चेंज हो जाते हैं, तो ये टॉपिक है बहुत लंबा चलता रहेगा कि हस्बैंड और वाइफ की नोक झोंक में तो ये चलता ही रहता है। लेकिन आप अपने हस्बैंड को कभी इस चीज़ के लिए बोले मत कि नहीं आप गलत हैं। अगर वो गलती करते हैं तो आप उन्हें अपने प्यार से, अपने तरीके से मनवाइए, लेकिन किसी जोर दबाव देके, मतलब डंडा कर कर या चिल्ला कर अपनी बात मनवाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप हस्बैंड के लिए इतना सा अगर झुक जाओगे ना, इतना सा भी अगर झुक गए, तो आपके हस्बैंड पता है इतना झुक जाएंगे। ये रियलिटी है, ये साइंस कह लो, मैथ्स कह लो, या ये एक कुछ भी बोल लो आप लोग, ये एक थ्योरी है दुनिया की, रिवाज है कि अगर आप पति के लिए इतना कुछ करते हो ना दिल से, उन्हें भी दिखता है यार पूरा दिन मेरी बीवी घर को देखती है, काम को देखती है, जो अगर काम करते हो तो काम को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, फैमिली को भी देखती है मेरी, तो मैं इसके लिए बहुत कुछ करूँ। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम जो वाइफ होती है, हम ये सोचते नहीं, ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ हमारे पीछे लग जाए और हमारा ही सोचे, तो ये तो बहुत गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। मैं इस बात को कभी एग्री नहीं करती हूँ। आज से मैंने जो टाइटल बनाया था, हमने डाला था कि पति कभी गलत नहीं होते, इस बात की गारंटी है। अगर आप एक बार झुकोगे ना, एक बार अगर उनकी बात मान ली बगैर शादी के, करके देख लो। फॉर एग्जांपल, मैं ज़्यादा बड़े बात नहीं बोलती, जैसे कि मेरी स्टार्टिंग की क्लिप में था कि बहुत देर हो गई है, कब से तैयार होकर बैठी हुई हूँ मैं, ये वाला जो क्लिप था, आप भी करके देख लो। अगर आपका कोई प्लान बनता है, फिक्स होता है कहीं जाने का, और बाई चांस हस्बैंड नहीं आ पाते, तो उनको भी यही लगेगा कि आज तो घर जाके खैर नहीं मेरी, और आज तो मेरी पिटाई पक्की है, मतलब आज तो होगा झगड़ा। अगर आप नहीं करते तो वो ये सोचेंगे, यार ये बंदी है क्या है, इसने तो कोई झगड़ा ही नहीं करा आज, कोई लड़ाई नहीं करी है, तो वो भी एक बार के लिए तो सोचेंगे यार नहीं, ये वाला काम ज़रूरी था तो मैं ये वाला काम कल कर लूँगा। इसलिए अपने पतियों को गलत कहना छोड़ दो, क्योंकि पति कभी गलत नहीं होते, सिचुएशंस गलत होती है, हस्बैंड्स कभी गलत नहीं होते, सिचुएशन ही होती है जो गलत ठहरा देती है। कभी ऐसा भी हुआ, आज तक हमारे साथ भी होता है कि हमें कहीं जाना और कुछ काम पड़ जाता है, तो हम अपने काम को पहले प्रेफर देते हैं। अगर कहीं मार्केट जाना, सपोज मार्केट चले गए, जाना है और रिश्तेदार आ गए हैं कोई घर में, हम क्या करते हैं, चलिए बाद में चले जाएंगे, पहले मेहमान आए हैं, पहले उन्हें अटेंड कर लेते हैं। ऐसे सेम हस्बैंड्स का होता है कि पहले अपने काम को देख लेते हैं। वो कहते हैं बीवी अपनी है, बच्चे अपने हैं, परिवार अपना है, तो काहे का डर, फिर जाके कर लेंगे कामों को अपने। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक तो करिएगा और इसे शेयर करिएगा, कि जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रही थी, जो मैं आपको बताना चाह रही थी इस वीडियो के थ्रू, शायद आप लोगों को वो समझ आ गया हो। वीडियो को मैंने लंबा नहीं करा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती ये मेरी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और वीडियो देखनी हो, इस सीरीज से रिलेटेड अगर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताइएगा ज़रूर
कि आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। और मेरा जो थंबनेल था वो बिल्कुल करेक्ट था, शायद किसी को एग्री करेगा या नहीं करेगा। अगर एग्री नहीं करता तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करा है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर करा आप लोगों के साथ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना और अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए। और अगर कोई ये वाला एग्जांपल करके देखता है कुछ टाइम तक तो प्लीज़ मुझे बाद में बताइएगा ज़रूर कि नहीं अनुगुप्ता आप गलत थे हम सही थे, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना ध्यान रख लीजिए, बाय बाय। और अगर मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हाल ही में ही मैंने अपना नया अकाउंट बनाया है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जितना शेयर कर सकते हैं मेरी इस बात को तो प्लीज़ उतना शेयर करिएगा।